अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और मैं आज अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ फ़िश की रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश कोरमा। इसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश ले ली है, इनको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है और अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा लिया है 250 ग्राम हमने अनियन ली है, इसको हमने बहुत ही फाइनली चॉप करके रखा हुआ है और 3 से 4 हमने बेलीव ले लिए हैं। 250 ग्राम हमारे पास दही है। 2 टेबल स्पून हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। इसमें है 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें और 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है और 1 पीस हमारे पास सिनेमन स्टिक्स का है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट और काली मिर्चों का पाउडर हम फ़िश के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ़िश को हम फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट हम इसी तरीके से मिक्स रहने देंगे इस पर, उसके बाद में फ़िश को हम फ्राई करेंगे। सॉल्ट और काली मिर्चों के पाउडर को हमने फ़िश के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और सबसे पहले हम अपनी अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अनियन को थोड़ा खोल कर डालिए। इसकी अनियन हमें इस तरीके से फ्राई करनी है जैसे कि हमारे कोरमे की होती है, क्योंकि ये फ़िश का कोरमा है। तो यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। अनियन हमारी गोल्डन होने लगी है तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जो इसमें ऑयल है वो कम हो जाए। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो फिर ये आराम से हाथ से क्रश हो जाएगी, तो इस तरीके से हम दबा देंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और अनियन को हम फौरन ही खोल देंगे ताकि अनियन का कलर हमारा डार्क ना हो, इस तरीके से। और बचे हुए ऑयल में हम अपनी फ़िश को फ्राई कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसे हमें टेंडर नहीं करनी, सिर्फ फ्राई करनी है। फिश को हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। फ्राई करने से जो फ़िश बनती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, दूसरा इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से हम बची हुई फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे। इनको बाहर निकाल लेंगे। हमने अपनी सारी फ़िश को फ्राई कर लिया है और इनको सभी को बाहर निकाल लिया। बचे हुए ऑयल में हम सबसे पहले खड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको हल्का सा तड़क जाने देंगे। इसमें डाल देंगे हम बेलीव, और इसके साथ साथ ही हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। कढ़ाई हमने बदल ली है क्योंकि मुझे लग रहा था कि कढ़ाई वो छोटी रह जाएगी इसलिए, और फिश थोड़ी नाजुक होती है, उनको खुलकर पकने की आदत होती है। तो इसी में हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए। कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट थोड़ा सा मैंने बचा दिया है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम मसाले को सूखा ही भून लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे। 30 सेकंड के लिए हमने मसाला बिल्कुल सूखा ही भुना है, उसके बाद में अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाना चाहिए, तब तक हमें भूनना है अच्छी सी खुशबू आने तक। मसाला हमारा 6 मिनट से भुन रहा है और मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दही। दही को हमने बीट कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे हम अनियन। अनियन को हाथ से क्रश कर लिया है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी थोड़ा सा खुशक होने तक इसे और भून लेंगे। दही का जो हमने डाला है, दही में जो पानी होता है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, उसके बाद में हम फिश ऐड करेंगे। 2 मिनट में हमारा दही का पानी एकदम खुश्क हो चुका है, तो इसमें अब हम लगा देंगे फ़िश के पीसेस इस तरीके से।
गैस का फ्लेम हाई है और अभी हाई हीट पर ही हमें सब कुछ करना है। सारे मछली के पीसेस मैंने कढ़ाई के अंदर अरेंज कर दिए हैं। इसे हल्के हाथ से हम इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे और इसे पलट देंगे, इस तरीके से हल्के हाथ से करेंगे ये, क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। और इसे तकरीबन एक मिनट हम इसी तरीके से हाई फ्लेम पे पका लेंगे और इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। फिश को हमने एक मिनट के लिए मसाले के साथ में अच्छी तरीके से पका लिया है और अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे जितना कि हमें थिकनेस चाहिए। कोरमे की जो थिकनेस होती है वो थिक ही होती है, ज़्यादा पतली नहीं होती, तो इसमें पानी ज़्यादा डालने की गुंजाइश नहीं होगी। हल्का सा चम्मच चला देंगे इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, तकरीबन मैंने इसमें 150 ml के करीब पानी का यूज़ किया है। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। कवर करके हमारी फ़िश को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पर और फिश हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम हल्के हाथ से चम्मच चला लेंगे इस तरीके से और इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया का जो फ्लेवर है इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है और इस तरीके से हम चम्मच चला लेंगे हल्के हाथ से और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के बाद में करते हैं हम इसको डिश आउट। हमारा मछली का कोरमा बन करके तैयार है। वैसे तो मछली बहुत तरीके से बनाई जाती है लेकिन इसका जो अपना टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको घर की रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं, चपाती रोटी के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।